नमस्कार, एटको रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम पड़ोसी मुल्क की एक ऐसी चार्मिंग पॉलिटिशियन से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिसका नाम वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वेमेन में शुमार होता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दुनिया की मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन के रूप में दर्ज है। वे दो बार अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, पर इन दिनों उनके सितारे गर्दिश में हैं। अब ना तो उनका पहले जैसा जलवा है और ना पहले जैसी पॉपुलैरिटी। जी हाँ, तमाम तरह के सीरियस एलिगेशन से जूझ रही इन मोहतरमा का नाम है बेनजीर भुट्टो। पावर में हो या ऑपोजिशन में, बेनजीर भुट्टो में फाइटिंग स्पिरिट कमाल की है। अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में तमाम एडवर्स सिचुएशंस के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और यही वजह है कि वो हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में रही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके जुल्फिकार अली भुट्टो की चार औलादों में सबसे बड़ी बेनजीर भुट्टो की हायर एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में हुई और 1977 में वो पढ़ाई खत्म करके पाकिस्तान लौटी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। उसी दौरान बेनजीर ने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा और अपने पिता की राजनीतिक वारिस बनकर उभरी। उनके दोनों भाई मीर मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज को तो मुल्क छोड़ना पड़ा, लेकिन बेनजीर अपनी मां नुसरत भुट्टो के साथ फौजी शासन से जूझती रहीं। अप्रैल 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। 1977 से 1988 के बीच बेनजीर की कई बार गिरफ्तारी हुई, कभी उन्हें जेल में रखा गया तो कभी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 1984 में उन्हें देश छोड़ने तक को मजबूर कर दिया गया, लेकिन बेनजीर अपनी आवाज बुलंद करती रहीं। 1986 में वो वापस पाकिस्तान लौटी और दिसंबर 1987 में आसिफ जरदारी से उनकी शादी हुई। अगस्त 1988 में हुए एक प्लेन क्रैश में जियाउल हक की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात बदले। नवंबर 1988 में चुनाव हुए और बेनजीर मात्र 35 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हुई। कुछ महीनों तक तो पूरी दुनिया की मीडिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया, लेकिन बेनजीर और उनकी सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। खासतौर से आसिफ जरदारी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के निशाना बने रहे और आखिरकार 6 अगस्त 1990 को प्रेसिडेंट ने बेनजीर सरकार को बर्खास्त कर चुनाव की घोषणा कर दी। उस चुनाव में बेनजीर की शिकस्त हुई और नवाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मात्र 3 साल बाद 1993 में उनकी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया और अक्टूबर 1993 में हुए चुनाव के बाद बेनजीर दूसरी बार पावर में लौटी। इस बार भी बेनजीर और उनके पति आसिफ जरदारी पर करप्शन के सैकड़ों चार्जेस लगे। यहां तक कि 1994 में पाकिस्तान लौटे बेनजीर के भाई मुर्तजा भुट्टो ने भी उनकी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच सितंबर 1996 को मुर्तजा को कराची स्थित उनके पुश्तैनी निवास पर कथित तौर से फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। मुर्तजा समर्थकों ने इस असैसिनेशन के पीछे आसिफ जरदारी का हाथ होने का आरोप लगाया और तमाम हालात के मद्देनजर प्रेसिडेंट फारूक लेघारी ने बेनजीर की सरकार को बर्खास्त कर दिया और जब चुनाव हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लगभग सफाया हो गया। इन दिनों बेनजीर के लिए गर्दिश का दौर है। कई गंभीर आरोपों में फंसे उनके पति आसिफ जरदारी जेल में हैं और बेनजीर अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। 3 साल तक पावर में रहने के बाद आज आप अपोजिशन में हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हुकूमत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक तौर पर एक किस्म का रिलीफ है कि ये जिम्मेदारी अब हम पर नहीं, किसी और पर है, मगर दूसरे तौर पर मुझे अफसोस है कि जो इस्लाही काम हमने शुरू किए थे, जैसे वो पाए तकमील तक पहुंचने वाले थे, हुकूमत को बरतरफ किया गया। 4 नवंबर को मैं बैनुल अक्वामी माली इदारों के साथ मेरी एक मुलाकात थी और उनने मुझे कहा मुबारक हो, पाकिस्तान अभी सब मुश्किलात को छोड़ करके आगे बढ़ेगा, और उसी रात हुकूमत गई और पाकिस्तान एक बार फिर माली बहरान में मुब्तला है। आपको क्या लगता है कि वजह क्या रही है आपकी सरकार को डिसमिस करने की, क्योंकि वो तो पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट थे और हमेशा भुट्टो साहब के साथ हुए, उनके कलीग रहे, इसके बावजूद उन्होंने क्यों, जबकि आपने उनको प्रेसिडेंट बनवाया था? जी, ये हकीकत है कि अवामी हकूमत को निकालने में कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं थे, ना स्ट्रीट एजिटेशन था, ना ऑपोजिशन पावरफुल थी, हमारे पास एक मखलूत हकूमत थी और अगर हकूमत गई है
तो अपनों के बेवफाई से गई है। लगारी साहब भुट्टो साहब के साथ ज़्यादातर काम नहीं किए थे, वो मेरे साथ ज़्यादातर काम किए थे। मैं उसको भाई समझती थी और जब मैंने उनको सदारत के लिए नामज़द की तो पूरी पार्टी ने मेरे कहने पर लबैक कहा और उनको सदर बनाया। मगर मेरी गलती यह थी कि एक बंदा जिसके पास पहले कभी इख्तदार नहीं था कि फिर जैसे कहते हैं कि वन गेट्स इंटॉक्सिकेटेड विद पावर, तो वो नशे में आ गया। वो सोचने लगा कि मैं सब कुछ हूँ, मुझे इस शाख जिस शाख पर वो बैठा था उसको ही काटा। सोचा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हूँ। उनके जहन में बात बैठ गई कि मैं सदर हूँ, बेनज़ीर की ज़रूरत नहीं, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं, मैं अपना जमात बना सकता हूँ और मैं पार्लियामेंट्री निज़ाम को तर्क करके प्रेसिडेंशियल निज़ाम नाफिज कर सकता हूँ। मैंने तकरीर की थी कि जो लोग हैं ना सियासी यतीम, वो उनको इस्तेमाल करते हैं और बाद में लोग गालियाँ उनको देते हैं जो गलत काम करते हैं, सियासी यतीमों को नहीं। मगर अफसोस, गद्दारी बेवफाई हमारे अपनों ने की। मैं किसी और को कसूरवार नहीं कहलाती हूँ और इसलिए मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी को सोल सर्चिंग करनी चाहिए ताकि अगर पाकिस्तान की अवाम हमें दोबारा मौका दें तो हमारे अपने सफ़ों में सफाई होनी चाहिए ताकि हम खुद ही जा कर के सियासी ख़ुदकुशी ना करें। तो आपके हिसाब से लेगारी साहब जो है प्रेसिडेंट रूल लाना चाहते थे और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे? जी, उसका जो एजेंडा था कि बेनज़ीर को निकालूं और अपनी जमात बनाऊं और प्रेसिडेंशियल निज़ाम नाफिस करूं, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर की जिसका मतलब ये था कि निज़ाम को प्रेसिडेंशियल करार दिया जाए। असल में मैं प्राइम मिनिस्टर थी और वो सितंबर में मुझे 26 सितंबर को निकालने चाहता था और मैं भाई मुर्तज़ा को इसलिए कत्ल किया गया ताकि एक गोली के साथ तीन शिकार हों, मुर्तज़ा का कत्ल, बेनज़ीर हुकूमत का कत्ल और आसिफ जरदारी का फिर अदालती कार्रवाई के तहत झूठे मुकदमे करके खुदा ना खास्ता कत्ल। मगर वो उस वक्त कर नहीं सके। अल्लाह का लाख शुक्र है कि पाकिस्तान की अदलिया ने पार्लियामेंट्री निज़ाम को बरकरार रखा और इस आमर के अजायम को मिट्टी में डाल दिया। तो आपको लगता है कि जो प्रेसिडेंट थे मुर्तज़ा भुट्टो के असैसिनेशन के पीछे उनका हाथ था? जी, मैं समझती हूँ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही कातलों को तसल्ली दे सकता था क्योंकि और कोई मुझे निकाल नहीं सकता था, तो कातलों को तसल्ली फिर कैसे मिलती? आखिर में कातिल कहते हैं कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का भाई है, प्राइम मिनिस्टर तहकीकात करेगी, हमें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। तो कोई था जिसने कहा कि फ़िक्र नहीं करो बेटा, वो नहीं रहेगी, वो चले जाएगी, तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। और ऐसे ही हुआ है। आई हैव बीन टोल्ड बाई पुलिस ऑफिशल्स दैट वी वर टोल्ड जस्ट फ्रेम आसिफ एंड इफ यू डोंट फ्रेम आसिफ we won't let you go. For 6 months these honorable officers and constables are in jail for no crime of their own other than they refused to break the law and fabricate a charge against an innocent man. And I really say thank God there's some good decent human beings, because Farooq Laghari, who owes everything to the PPP, Try to destroy. बेनजीर भुट्टो से सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। आपने अभी कहा अपने स्टेटमेंट में कि आप एक किताब लिखेंगे, उस किताब में बताएंगे कि किसने मुर्तजा भुट्टो का असैसिनेशन किया था, किसने उनकी हत्या की थी। जी, मैं किताब लिखने की ख्वाहिश रखती हूँ। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले महीनों में मैं लिख सकूँगी। इस किताब के अंदर मैं तीन मौक़फ़ पेश करने चाहती हूँ। एक वो मौक़फ़ जो मैंने ट्रिब्यूनल के सामने पेश की, एक वो मौक़फ़ जो मेरी भाभी ने ट्रिब्यूनल के सामने पेश की या उनके अफराद ने पुलिस के सामने पेश किए,
और तीसरा पुलिस की कहानी, ताकि लोग एक किताब पकड़ करके तीनों का मौकफ सुन करके अपने नताएज पर पहुंचे। लेकिन ये इम्प्रेशन क्यों है कि इसके पीछे आसिफ कहाँ थे और इसी वजह से उनको जेल में भी आ जाना पड़ रहा, चार्जशीट भी गवर्नमेंट ने उनको किया है, ये परसेप्शन कैसे आया अगर आप कहती हैं कि इसके पीछे प्रेसिडेंट का था? आया क्योंकि शहीद भुट्टो के अनासर और प्रेसिडेंट के लगारी के दरमियान मिली भगत थी। जो मैंने आपको कहा कि सदर लगारी अपनी जमात बनाने चाहता था, तो सोचता था कि शहीद भुट्टो के साथ, मुमताज़ अली भुट्टो के साथ, दीगर अफराद पंजाब से, बलूचिस्तान से, मैं उनको इकट्ठा करूंगा और एक नई जमात बनाऊंगा। तो वो ये लाइन दिया था कि बेनज़ीर मुर्तज़ा हट जाएं, हम सब आ जाएंगे। तो इसलिए उनके अपने कुछ अनासर इसमें शामिल थे। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि शहीद भुट्टो ने, पार्टी ने, मैं समझती हूँ कि वही मुर्तज़ा के साथ बेवफाई किए और उन लोगों ने आसिफ कातिल का नारा बुलंद किए हैं। और पूरे इलेक्शन कैंपेन में उन्हें मेरे भाई का लाश का तस्वीर नहीं है और वो ग्रे कलर की शलवार कमीज पहने हुए थे, उसको फोटो ट्रिक्स के साथ सफ़ेद किए और उसका खून दिखाएं और कहें कि मुर्तज़ा का कातिल जरदारी। जिधर मैं गई तो मेरे भाई का लाश, तो आप देखें कि सियासी मोटिव किसके पास था, सियासी फ़ायदा किसको मिलने वाला था। और इसलिए मैं समझती हूँ कि उनमें से कई अनासिर जो थे वो बिक किए थे और ये हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश थी। बेनज़ीर वाज़ इन गवर्नमेंट फॉर 43 डेज आफ्टर द मर्डर हैड टेकन प्लेस। हैड शी सस्पिशंस इन द प्रेसिडेंट और एनीवन एल्स, शी कुड हैव टेकन एक्शन। What has she done after the murder? I will always say it, that Benazir is to blame, at least indirectly, for the murder of Murtaza, because of the way she victimized him and victimized his supporters. From the time he decided to come back to Pakistan until his murder. Isme koi doubt nahi that the state apparatus under Benazir Bhutto was involved. इशू है कि अगर जरदारी ने मरवाया है तो बेनज़ीर को पता था कि नहीं पता था, या उससे एनओसी बहन से लिया कि नहीं लिया। द फैक्ट इज दैट शी एग्जोनरेटेड दोज हु आर अलेज्ड टू बी द किलर्स ऑफ हर ओन ब्रदर इन द स्टेट अपरेटस। शी वाज प्राइम मिनिस्टर। कत्ल के नतायज के लिए देखो कि फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। नुकसान तो मुझे हुआ, मेरी माँ को हुआ, मेरी बहन को हुआ, मुर्तज़ा के मासूम बच्चों को हुआ। नुकसान आसिफ को हुआ जो जेल में है, और फिर आप देखें कि कितनी जहनी परेशानी हम सब के लिए। फ़ायदा किसको हुआ, जमात किसको मिली, मिल्कियत किसको मिली, पैसा किसको मिली, शोहरत किसको मिली, मुर्तज़ा के घर और नाम और शान और सब कुछ ऐश करने के लिए किसको मिला के? लेकिन बताइए, कुछ लोगों का ये कहना, ख़ासतौर से जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, कि आसिफ जरदारी और मुर्तज़ा में काफ़ी डिफरेंसेस चल रहे थे। जी, नवाज़ शरीफ और मेरे दरमियान डिफरेंसेस हैं। कल अगर नवाज़ मुझे मार दे, कल अगर मैं मर जाऊं, आप कहेंगे नवाज़ शरीफ ने मारा है। डिफरेंसेस तो होते हैं। आप मुझे बताएं कि अभी आपके कांग्रेस पार्टी के लीडर और देव गोदा के इतने डिफरेंसेस हुए, कल देव गोदा को कोई खुदा ना खास्ता मार दे, तो आप कहेंगे कि डिफरेंसेस की वजह से? कौन से मुल्क में डिफरेंसेस नहीं हैं? आसिफ के डिफरेंसेस नहीं थे। मुर्तज़ा को बताया गया था, उसकी बीवी ने, उसकी जमात ने, जान सादिक के दौर पर बताया गया था कि जरदारी भुट्टो का नाम ख़राब कर रहा है, जरदारी करप्ट है, आप जरदारी के ख़िलाफ़ स्टैंड लें। तो मुर्तज़ा आसिफ को नहीं जानता था, मगर उनको इतना डिसइंफॉर्मेशन फीड किया गया था और उसको इतना ब्रेन वॉशिंग किया गया था कि वो समझते थे कि आसिफ हमें बदनाम कर रहे थे, जो हकीकत नहीं थी। फिर जुलाई के महीने में मुर्तज़ा और आसिफ दोनों मिले भी थे, उसके बाद एक हवाई जहाज़ में इकट्ठा गए थे। और मुझे याद है आसिफ का फ़ोन आया और वो इतना खुश था, और इसलिए मुझे इतना दुख होता है कि जैसे हम करीब हो रहे थे, उनको हमसे छीना गया। और मैं एक बड़ी बहन की हैसियत से उनकी खुशी देखने चाहती थी। This is, I feel this is a propaganda tactic.
keep lying until you believe yourself. There was no relationship between Murtaza and Asif Zardari at all. Because Murtaza could not bear the idea that Asif Zardari was using the clean name of his father in all his corruption operations. आप सोचें कि उसका क्या मकसद है? आप सोचें कि जब तक मुर्तजा की शादी इससे नहीं हुई तो अपने बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। कौन था उसकी जिंदगी में एक नई इन्फ्लुएंस जो उसको ये क्लैश के रास्ते पर ले आए? कौन था? आखिर में 1977 में मुर्तजा बाहर गया था। उनकी सियासत हमारी सियासत से मुख्तलिफ थी, हम उनकी सियासत पर तनकीद करते थे, मगर वो अपने बड़े बहन के बारे में कभी भी एक लफ्ज नहीं कहता था। ये सब मामला शुरू हुआ कि जब चीफ मिनिस्टर जाम सादिक अली बना और गैनवा यहाँ आती थी और जाम सादिक के पिट्ठू उसके साथ मिलते थे, ये बॉडीगार्ड्स और छोकरे उसके साथ मिलते थे और उसको कहते थे कि आप फॉरेनर फर्स्ट लेडी बन सकती है और उसके एम्बिशंस थे। मैं तो सोचती हूँ कि अगर मुझे मालूम होता 1993 में कि मेरे को हटाने के लिए मेरे भाई को कत्ल किया जाता तो मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए नहीं लड़ती। ये काम हुआ है दुश्मनों की तरफ से कि भुट्टो ख़ानदान को ख़त्म किया जाए, मुर्तज़ा को ख़त्म किए, शाहनवाज को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। मेरी बहन की शादी हो चुकी है, हमारी शादी हो चुकी है, तो अभी कौन रहा हमारे बाप के घर को रौनक करने के लिए? कौन रहा जो हमारे ख़ानदान की सकाफत को जानता है? मुर्तज़ा की डॉटर कहते हैं पॉलिटिक्स में काफ़ी उसका इंटरेस्ट है और वो अभी से ही एक्टिव हो रही है जी। उनकी बहुत पॉलिटिसाइज्ड अपब्रिंगिंग हुई है और हो सकता, मगर इस वक्त वो टोटली उनकी स्टेप मदर के कंट्रोल में। लोग कहते हैं कि आगे वो पॉलिटिक्स में भुट्टो फैमिली की तरफ से आपका अल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर सकती है, सक्सेसर बन सकती है। अगर वो अपने आंट के नक्शे कदम पर चलने चाहे इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है, मगर मैं समझती हूँ कि बच्चे अब तक छोटे हैं और ये चीज़ भाई बहन में अभी से कहना कि बहन बन रही है और भाई को कहना कि तुम बन रहे हैं गलत बात है। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में हम कुछ और जानकारी देंगे लेकिन थोड़े इंतज़ार के बाद। नवंबर 1988 और अक्टूबर 1993 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बेनज़ीर भुट्टो की जो इमेज बनी और पहले जो इमेज थी, दोनों में काफ़ी फर्क है। पावर में आने के बाद करप्शन के आरोपों और कई मोर्चों पर प्रशासनिक विफलता के कारण उनके दामन दागदार हुए हैं। हालांकि बेनज़ीर और उनके समर्थक इसे एक प्रोपेगेंडा मानते हैं। बहरहाल आइए एक नज़र बेनज़ीर के बारे में लोगों की राय पर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है उनका तो मैं आपको बताऊं कि आई थिंक दिस कंट्री इज़ टू स्मॉल फॉर हर। ये तो मुस्लिम उम्मा की और थर्ड वर्ल्ड कंट्री की लीडर है, नॉट ओनली दैट शी इज़ लीडर ऑफ पाकिस्तान। बेनज़ीर भुट्टो इज़ इंटेलेक्चुअली वेरी सुपीरियर टू ऑल द लीडर्स इन पाकिस्तान। आई थिंक शी इज मैच्योर पॉलिटिकली। इट्स नॉट दैट बेनज़ीर इज इमैच्योर इन एनी वे। आई मीन शी नोज when to strike, she knows what to say, she knows how to handle, she's charismatic, a very intelligent woman. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए और पाकिस्तान में जमहूरी अदारों के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं वो शायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उन्हीं को ये सादत नसीब हुई है। उन्होंने इस मुल्क के अंदर जमहूरी अदारों और आइनी हुकूमत को बहाल किया। पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल कल्चर बड़ा कंसिस्टेंट है। व्हेन दे आर इन पावर इट इज़ अ माल बनाओ पार्टी, खूब माल बनाओ दोनों हाथों से। जब ये पार्टी ऑपोजिशन में आती है तो इट बिकम्स अ जरदारी बचाओ तहरीक, क्योंकि जरदारी ने इतना पैसा खाया होता है। ही इज पुट इन द स्लैमर, ही इज अ सर्टिफाइड क्रुक हु लूटेड दिस कंट्री राइट एंड लेफ्ट डे इन डे आउट एज अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन इन द थ्री ईयर्स दैट ही एंड हिज वाइफ आर रनिंग दिस कंट्री। माल बनाना तो ज़ाहिर बिजनेसमैन जानते हैं दो से चार कैसे बनाए जाते हैं। मोटरवे के कमीशन हमने नहीं खाए, ठेके हमने नहीं लिए, हमारे पास तो कोई फैक्ट्रियां नहीं है,
बेनजीर भुट्टो ने लोन कोई रीशेड्यूल नहीं कराए, बेनजीर भुट्टो ने कोई फैक्ट्री नहीं बनाई, फैक्ट्रियां तो इनके लीडरों ने बनाई हैं। वो एक दयानतदार सियासतदान है और अपनी कॉज के साथ कमिटेड है। और मैं समझता हूँ कि जो फाइटिंग क्वालिटीज इस खातून में है वो पाकिस्तान में इस वक्त किसी लीडर पे नहीं। मैं ये समझता हूँ कि वो एक खातून हैं, एक अच्छी डिबेटर हैं, वही कॉलेज लेवल की धुआंधार तकरीर करने वाली। वो स्टेट्समैन भी नहीं हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकती, वो एक अच्छी पॉलिटिशियन भी नहीं। पॉलिटिक्स हैव बिकम अ मीन टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंटरेस्ट्स। नाउ दिस इन दिस सेंस बेनजीर यस इज अ पॉलिटिशियन, but otherwise I don't see her as a stateswoman. A stateswoman doesn't go in public and say that my brother wanted to divorce my sister-in-law. A stateswoman does not let things come to the point where her brother gets killed when she's the prime minister. I think Benazir is a very good actress. She's quite fake and funny. She wants to gain sympathy. She tried to play that card before she was ousted. इस्लामाबाद का जरदारी हाउस हो या कराची का बिलावल हाउस, इन कोठियों की भव्यता बेनजीर और उनके परिवार के लाविश लाइफस्टाइल की गवाही देता है। बावजूद बेनजीर अपने आप को सिंपल लिविंग में यकीन करने वाली पॉलिटिशियन मानती हैं। मैं एक अवामी पर्सन हूँ, मेरी परवरिश 60s में हुई। 60s के अंदर ये सब यापी कल्चर और नूवो रिच कल्चर नहीं था। 60s के अंदर बहुत मतलब कल्चर था, प्लेन स्टाइल, प्लेन लिविंग, सिंपल हैबिट्स। तो मेरे आदतें जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। और लोग समझते हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और प्राइम मिनिस्टर खुद रही हैं तो डिज़ाइनर क्लोथ और डिज़ाइनर चीज़ों का शौक होगा, मगर ऐसे बात नहीं है। अब बेनजीर की इन बातों में सच्चाई चाहे जितनी हो पर पाकिस्तान की जनता आसानी से उनकी इस बात पर यकीन नहीं करेगी। बहरहाल बेनजीर की फैमिली लाइफ के बारे में उनसे कुछ और सवाल जवाब। आप बच्चों को कितना टाइम दे पाती हैं? आप लोगों को कितना टाइम देती हूँ? आप कितना मैं टाइम देती हूँ बताओ ना। तो मैं आपके साथ बैठती हूँ, खाना खाती हूँ, किताब पढ़ती हूँ, स्टेंसिल करती हूँ, बताओ। मम्मी तुम्हारे साथ वक्त गुजारती है कि नहीं, चली जाती है? देर के लिए चली जाती है? मिस करती हो? अरे तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है और मुझे काम पर जाना पड़ता है ना। मैं कोशिश करती हूँ टाइम देने के लिए, मगर बच्चे ज़्यादा टाइम चाहते हैं और जब मैं वापस आती हूँ तो ज़ाहिर है बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, जब आप प्राइम मिनिस्टर थी तब और अब आप जब अपोजिशन में हैं तब, तो ऐसा नहीं लगता है कि जब अपोजिशन में होती हैं तो बच्चों के साथ या फैमिली के साथ आप ज़्यादा टाइम दे पाती हैं? बिल्कुल, जब मैं प्राइम मिनिस्टर थी तो कम वक्त देती थी। पहले मैं इनके साथ किधर जा नहीं सकती थी, तो जब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी तो बच्चे सब बहुत मायूस थे। तो जब मैं वापस आई मैंने कहा आप लोग मायूस क्यों हैं, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं आपको ज़्यादा वक्त दे सकूँगी, रिमेम्बर। And he also said, "Hooray!" बेनजीर के बच्चों को अपनी माँ से ज्यादा लगाव है या अपने पिता से? किससे? किससे ही हो? मैं सोची दोनों से। और बिलावल? टू। टू। और आप आसिफा? असल में दोनों से अटैच हैं, वो यहाँ बैठे होंगे तो उनको यूं कहेंगे, बहुत बड़े डिप्लोमेट्स हैं। पॉलिटिक्स से फुर्सत मिलने पर क्या करना पसंद करती हैं बेनजीर? मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। बेसिकली मैं ऑटोबायोग्राफीज पढ़ती रहती हूँ और कभी कभी कोई ऐसे फेमस किताब आ जाए। जैसे अभी मैं अमेरिका में थी तो मार्शा क्लार्क, जो ओजे सिम्पसन केस में वकील थी, उसने एक किताब लिखा था विदाउट अ डाउट, तो मैं वो ख़रीद ली और रास्ते में वो मैं पढ़ती रही। तो इस किस्म के तरीके से मैं पढ़ती रहती हूँ। मेरे पास एक और किताब भी मिला है जो इंदिरा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, तो मैं वो भी पढ़ रही हूँ। कभी कभी मुझे गॉसिप किताबों का भी शौक़ होता है
और जब मैं गॉसिप किताब पढ़ती हूँ मैं समझती हूँ कि मैं बेवफा हो रही हूँ। जैसे जो कैनेडी की बीवी ने एक किताब लिखा था ब्रोकन फेथ, तो क्योंकि वो हमारे साथ कॉलेज में होते थे तो मैंने वो किताब ख़रीदी देखने के लिए कि क्या लिखे हैं। और कभी कभी मैं और ऐसे ही ख़रीद लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैंने क्यों ख़रीदा। उम्मीद है एट को रूबरू का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, पर बेनज़ीर भुट्टो से हमारी ये बातचीत अभी अधूरी है। अपने और अपने पति आसिफ जरदारी पर लगे तमाम आरोपों के बारे में क्या कहती हैं बेनज़ीर और उनके सियासी विरोधी, देखिए रूबरू के अगले एपिसोड में इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए मैं राजीव शुक्ला आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।